हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अंदर गेम वीडियो। आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट में। तो गाइस, आज हम ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक दैट एक्चुअली वर्क। टिकटॉक तो नहीं रहा। उसके माइनक्राफ्ट के हैक अभी भी रह गए हैं। तो आज हम करने वाले हैं पांच तरह के टिकटॉक हैक जो एक्चुअली में वर्क करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मस्त हैक्स मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ। एंड बेसिकली मैंने सारे वेबसाइट से देखे, बट बहुत ओपिया है कि तो सबसे पहले हैक जो है ना, वो बनाने वाले हम सस्ता रॉकेट जो कि माइनक्राफ्ट में ऑफकोर्स बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें कोई सा भी ब्लॉक चाहिए। हम ऑफकोर्स जाएंगे डायमंड ब्लॉक के साथ, बट तुम्हें पता है ना मैं कितना अमीर होती क्रिएटिव वर्ल्ड में, जो कि सब होते हैं। तो हमें यहाँ पर डायमंड का ब्लॉक चाहिए। आप कोई सा भी ब्लॉक ले सकते हो, आप डर्ट भी ले सकते हो, बट डायमंड का ही लेना क्रिएटिव में हो तो, आपकी मर्जी। एंड हमें यहाँ पर साथ हमें चाहिए होगा स्लाइम ब्लॉक चाहिए। के साथ साथ हमें यहाँ पर लगेगा रेड स्टोन टॉर्च। मे बी यार टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बट टॉर्च ले लेते हम, ठीक है, क्या पता कभी पड़ जाए। एंड उसके साथ साथ हमें लगेगा यहाँ पर स्टिकी पिस्टन, ये रहा स्टिकी पिस्टन। एंड लगेगा ऑब्जर्वर। ओके, तो इतने में हमारा रॉकेट बन जाने वाला है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ऐसे ब्लॉक्स रखने पड़ेंगे चार ऐसे करके। इसको थोड़ा दूर कर, अरे यार मैंने क्यों तोड़ दिया, इधर की दूरी रखनी है बेसिकली, ऐसे कुछ करना है। अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर हमें स्लाइम लगानी है। स्लाइम ऐसे कुछ कनेक्ट करेंगे। ऐसे स्लाइम रखने के बाद हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऑब्जर्वर जो कि ऊपर की तरफ देख रहा होगा। एंड साथ ही साथ एक स्टिकी पिस्टन। एंड इसके साइड में अब स्लाइम लगा देनी है हमें। एंड इसके साथ साथ अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर डबल स्लाइम लगानी है। एंड अब हमें लगाना है यहाँ पर नीचे की तरफ ऑब्जर्वर जो कि नीचे को देखेगा, नॉर्थ साइड, ठीक है। ऐसे करके इसका जो एरो है ना ऑब्जर्वर का, वो दिखते रहना, अगर वो नीचे की तरफ है देन वो नीचे की तरफ ही देख रहा है। एंड सेम फॉर स्टिकी पिस्टन। एंड देन हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर एक और स्लैम लगा सकते हो, ठीक है। मैक्स दो से ज़्यादा नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है, मैं एक ही लगा रहा हूँ। एंड अब हमें नीचे क्या करना है, आप चाहे तो कोई ब्लॉक रख दो या आप यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च भी रख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस, हमारे जो माइनक्राफ्ट का जो हैक है ना, वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है। और भाई देख रहे हो कितना ओपी लग रहा है ये भाई साहब। अभी चलो भाई इसके ऊपर चलते हैं। तो देख सकते हो गाइस, ये वाला जो हैक है ना, वो एक्चुअली में वर्क करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये जंप ले रहा है भाई। मैं तो देख रहा भाई कितना ऊपर आ चुका हूँ भाई, थोड़ी सी देर में ही इतना ऊपर आ गया हूँ। एंड देख रहा भाई थोड़ी देर में ही भाई साहब, चलो भाई थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तो मे बी हम मैक्सिमम पे आ गए हैं। अब इसको अगर आपको बंद करना होगा ना, तो आप इसके ऊपर तीन अगर स्लैम लगा दोगे ना ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वरना और कोई रास्ता नहीं है इसको बंद करने का, वरना तोड़ ही सकते हो डायरेक्ट। अब मैं गाइस हम एक चैलेंज करने वाला हूँ। अगर वो चैलेंज में पास हो जाता हूँ ना, आपको अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम करने वाले हैं वाटर बकेट ट्रिक, और मैं यहाँ से डायरेक्ट नीचे कूदने वाला हूँ विद वन वाटर बकेट। ओके, सो हम आ चुके हैं सर्वाइवल वर्ल्ड में। एंड भाई अगर मैं सच्ची में गया और बच गया ना, तुम्हें अभी के अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और नहीं बचा तब भी तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। चलो भाई कूदते हैं भाई, भाई बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ। 3, 2, 1 गो। भाई आई एक्चुअली डिड इट भाई, मैं सच्ची में कर दिया, मेरे को नहीं पता था। चलो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब करो यार, तुमने सब्सक्राइब पहले ठोक दिया होगा, मेरे को पता है। ओए तुम मार क्यों रहे हो मेरे को, अबे लोल भाई मार क्यों रहे हैं मेरे को, नहीं नहीं ये गलत बात है भाई, मेरे को भागना पड़ेगा, जल्दी से क्रिएटिव करना पड़ेगा यार, ये मेरे को मारने क्यों लग गए। सो इन द नेक्स्ट हैक अभी हम करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं TNT थ्रोअर मशीन जो कि TNT को फेंकेगा। तो उसके लिए गाइस हमें कुछ चाहिए होगा, कोई सा भी ब्लॉक। आई एम गोइंग अगेन विद द डायमंड ब्लॉक बिकॉज यू नो नॉट दैट मेरे को। एंड ऑफ कोर्स हमें उसके साथ TNT भी चाहिए। 3 TNT इज इनफ फॉर मेकिंग 1, 4 TNT चाहिए हमें बेसिकली। एंड हमें चाहिए बटन, एक बटन सही चलेगा। एंड हमें उसके साथ चाहिए रेड स्टोन जो कि ऑफकोर्स बहुत आसानी से मिल जाता है। एंड रेड स्टोन के साथ साथ हमें चाहिए एक वाटर बकेट एंड लास्ट स्लैब। ओके, तो इन सारी चीज़ों में ना हमारा वो TNT बन जाएगा। हमें क्या करना है, हम यहाँ से बस 7 ब्लॉक लगाने हैं, ठीक है। उसके साथ हमें देन ऐसे इस साइड को भी 7 ब्लॉक लगाने हैं।
एंड हमें यहाँ पर एंड में जो है एक बार स्लैब रख देना है, एक बार गिन लूँ मैं, साथ ही है ना 8 लगा दिया मैंने गलती से, 18 लोल भाई मैंने सही लगाए थे, 7 तो हमें यहाँ पर 7 ब्लॉक का हमें ऐसे बना लेना है, एंड हमें इन द एंड हमें यहाँ पर वाटर डाल देना है, साथ साथ हमें यहाँ पर एक TNT लगाना है, एंड 2-3 TNT हमें ऐसे लगाने हैं, 3 ही लगाने थे, 2 लगाने थे, हाँ 3 ही लगाने हैं हमें ऐसे TNT लगाने हैं, बीच में एक यहाँ पर गैप छोड़ देना है चाहिए। एंड अब हमें क्या करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बटन लगाना है, बटन के साथ साथ हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, उसको कहते हैं रिपीटर, मैं भूल ही गया उसको लगाना, वो सबसे मेन है भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें बटन को ऐसे नीचे ले जाना है, इसको थोड़े एक्चुअली हमें आगे करना पड़ेगा, एंड ऐसे नीचे ले जाना है, और यहाँ पर जाकर हमें अपना रिपीटर लगा देना है, वो भी 4 रिपीटर हमें इस साइड को लगाने हैं, इस तरफ की दिशा पे, एंड इस साइड को हमें ऐसे करना है, एंड इस साइड को अब हमें रिपीटर लगाने हैं अपने, एंड सेम हमें रेड स्टोन से पूरा यहाँ तक इसको मैच कर देना है TNT के ऊपर तक, एंड अभी हमें इन्हें पूरा मैक्सिमम तक खोल देना है। तो हमारा जो TNT लॉन्चर है वो ऑफकोर्स बन चुका है, एंड अब हमें बस क्या करना है, हमें इस वाले बटन को जो है दबाना है, एंड देन TNT फेंकेगा, तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, तो ये देखो, तो वहाँ पर देख सकते हो भाई ये ऑफकोर्स वर्क कर रहा है, एंड देख रहे हो भाई कितना ओपी था हमारा जो ये ना तोड़ा टूटा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफकोर्स हैक यूज़ करा था, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो ना तो ये टूट जाता है, अगर बेसिकली आप यहाँ से ना लेकर यहाँ पर भी ले लेते हो ना तो ये टूट जाएगा, तो मैं एक और बार इसको थ्रो करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देख रहे हो ये कुछ ऐसे जाएगा, एंड यहाँ से TNT ऐसे जाएगा, और ये देखो अटैक, वो बेचारा स्लाइम गया, ओ लोल भाई यहाँ पर एक स्लाइम था एंड वो बेचारा मर गया, उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो भाई बढ़ते हैं थर्ड हैक पे, एक्चुअली जो अब हैक यूज़ करने वाला हो ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो डेकोरेशन के लिए बहुत मस्त हैक है, मतलब कि भाई अपने घर में लगा दो भाई कितना अच्छा डेकोरेट होगा, और उसके लिए हमें ज़्यादा कोई सामान भी चाहिए नहीं, हमें उसके जगह गाइस चाहिए बेसिक नॉर्मल ग्लास, कोई सा भी ग्लास ले लो, मैं नॉर्मल ग्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड उसके साथ चाहिए हमें वाटर बकेट, सारी बेसिक चीज़ें, एंड हमें चाहिए सोल सैंड, भाई बहुत मिल जाएगी सोल सैंड आपको, एंड साथ साथ अभी हमें चाहिए हमें आइस, पैक्ड आइस इसलिए लेना क्योंकि पिघलेगी नहीं, वरना ये वाली आइस ना पिघल जाएगी भाई, आपकी पहले ही पिघल जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी हमें चाहिए कुछ डेकोरेशन के लिए चीज़ें, यहाँ पर हम कलरफुल चीज़ें लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अच्छे लगेंगे कलरफुल। तो भाई बेसिक सी चीज़ें में हमारा 5 चीज़ों में बच जाने वाला है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें आइस को ऐसे रखना है, 5 आइस हमें लगानी है, एंड एक जगह बीच में ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर सोल सैंड लगा देनी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको पूरा चारों तरफ से इसको ऐसे करके ढक देना है, हमें इसको लगभग 7 ब्लॉक तक ले जाना है, हमें एक नीचे वाली लेयर को फिल नहीं करना है, एंड उसके ऊपर फिल करना है, एंड यहाँ से भी हमें तोड़ना है, ठीक है, और यहाँ से भी इसको फिल नहीं करना है, ऐसे ऐसा रहना चाहिए इसको, ठीक है, यहाँ से फिल नहीं है, एंड अब हमें यहाँ पर पूरा फिल कर सकते हो आप जितना चाहे, भाई हमारा ये बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें अब वाटर लेना है एंड सोल सैंड के ऊपर डालना है, कुछ ऐसा लगेगा, एंड इसके ऊपर हमें जितनी भी आप लेयर बनाओगे ना आप उतना आपको पानी डालना पड़ेगा हर लेयर पे। यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर अपना शिट मैं एक चीज़ तो करना भूल ही गया। तो गाइस अभी आपको ये वाली गलती नहीं करनी, आपको क्या करना है यहाँ पर ना करने से पहले एक साइन बोर्ड लगा देना है सोल सैंड के आसपास, यहाँ पे आसपास नहीं यहीं पे लगाना है, एंड इससे क्या होगा कि वाटर नहीं जाएगा उस साइड, ठीक है। अब हम करते हैं, अब इसके ऊपर डायरेक्ट आपको वाटर डाल देना है ऐसे, एंड पूरा यहाँ तक डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 ब्लॉक डाला है, आप चाहे तो जितने ब्लॉक भी डालोगे उतना आपको पानी डालना पड़ेगा हर ब्लॉक पे। एंड अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर पानी आपका एक ब्लॉक यहाँ पर डाल देना है, एंड गाइस हमारा जो हैक है ना वो बन चुका है। अब आप बोलोगे काम किसे करेगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं सारा ये वाला साइन बोर्ड जो है ना नीचे फेंकता हूँ, ये जैसे मैंने ये ब्लू वाला फेंका, एंड नीचे जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ पर जाकर यहाँ से ये ऊपर कूदेगा, तो आप देख सकते हो कितना ओपी है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें फेंक कर, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथ में बहुत सारे हैं,
तो मैं भी ना सारे रंग बिरंगे ले आता हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे ले आता हूँ मैं। और भाई आप देख सकते हो मैंने इसमें कितने सारे डाल दिए, और देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है, यहाँ से उछल रहे गाइस, नीचे जा रहे हैं। आप इवन इसके अंदर मछलियाँ भी डाल सकते हो एंड वो भी आप इसमें उछलेगी, बट मछलियों में क्या चीज़ कौन है कि वो मर जाती है थोड़े टाइम के बाद, बट आप डाल सकते हो ना, आप ये डाल दो, ये मरने वाले नहीं है, यानी कितने ओपी लग रहे हैं। तो भाई चलते हैं लास्ट हैक में, जो कि हमारा फोर्थ है। तो गाइस जो ये वाला हैक है ना, ये बहुत सिंपल है एंड बहुत ओपी भी है। इसके अलावा गाइस आपको ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, इसके अलावा बस आपको चाहिए एक नेम टैग एंड एक एनविल, सिंपल आपको बस ये दो चीज़ें चाहिए एंड ये हैक आपका बन जाएगा। आपको टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर अपने साथ कुछ ले लेता हूँ, मेरे को एक कैट ले लेता हूँ एंड पांडा ले लेते हैं एक, एंड क्या ले ले भाई, तो क्रिपल ले लेता है, ठीक है। मैं इन तीन चीज़ों को ले रहा हूँ फॉर टेस्टिंग। हमें हम सिंपल क्या करना है, हमें एक एनविल रखनी है एंड उसके अंदर खोल कर आपको नेम टैग डालना है। तो नेम टैग में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डिनर बोन। तो आपको डिनर बोन में डी को जो है कैपिटल रखना है एंड बाकी सबको स्मॉल रखना है, और बोन को भी ऐसे आपको मैच करके रखना है एंड सिंपल है आपको बस इसको ले लेना है। अब गाइस ये पता क्या करने वाली है, ये करेगी कि किसी भी चीज़ को आप जिसको भी इसको नाम दोगे वो उल्टी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर कैट रखता हूँ, एक ये रखता हूँ एंड एक पांडा रखता हूँ। तो जल्दी से मैं पहले कैट को देता हूँ, और जैसे मैं कैट को नेम दूंगा, शायद कैट को नेम नहीं सकता मैं, पांडा को, मैं किसी को नेम क्यों नहीं दे पा रहा भाई। ओके तो मैंने नेम टैग, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी। ओके मैं यहाँ से उठाना ही भूल गया था। हाँ तो आप ये वाली गलतियाँ मत करना। अब मैं इस कैट को नेम देता हूँ, आप देख सकते हो कैट जो है सर के बल चलने लग जाएगी उल्टी एकदम, और सेम फॉर पांडा भी एंड यहाँ पर जो क्रीपर है, क्रीपर भी ऐसी भाई अपने सर के बल चलने लग जाएगा, इवन स्लाइम तक भी भाई। बट स्लाइम ने सीन क्या है कि उनको पता नहीं चलता है, देखो ये देख रहे हो, ये भी उल्टी होगी भाई, भाई सब में काम करती है। चलो भाई ये वाला हैक जो है ना, अब मैं करने वाला हूँ विदर पे भी ट्राई, पता नहीं विदर पे ट्राई होगा क्या नहीं, वैसे वो पैट तो नहीं है, वैसे ट्राई करते क्या जा रहा है। तो ये रहा विदर स्केलेटन एंड हमें चाहिए स्केलेटन्स एंड ये आ गया हमारा विदर। तो भाई ये वाला जो हैक है ना, इवन विदर तक पे वो काम करता है, और जैसे तो भाई ये उल्टा हो चुका है, कितना ओपी लग रहा है ये, बस यार एंडर ड्रैगन पे भी करेगा, इतना मस्त लगेगा, सोचो उल्टा होके मारेगा। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक वाले बटन को भी प्रेस कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, आपको मैं और बना दूंगा, ठीक है। तो मिलता है एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक ले गाइस बाय बाय।